नमस्कार, मैं हूं सुनील मेघवाल, आप देख रहे हैं राठ न्यूज। आज की विशेष खबरें देखिए सुनील मेघवाल के साथ। कैंटीन संचालक से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले शातिर बदमाशों को बहरोड पुलिस ने किया गिरफ्तार। जागुआस निवासी परिवादी बलवीर प्रजापत ने 17 नवंबर को मामला दर्ज कराया था कि व्हाट्सएप कॉल से मेरे मोबाइल पर एक कॉल आया जिसमें मुझे धमकी दी गई कि 50 लाख रुपए फिरौती के भेज देना, नहीं तो तेरे बेटे शेर सिंह का जो निर्माण कंपनी में कैंटीन चलाता है उसका अपहरण कर लिया जाएगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। अनुसंधान की कार्रवाई करते हुए बहरोड थाना पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। बहरोड थाना प्रभारी विनोद सांगला ने बताया कि जागुआस निवासी बलबीर प्रजापत ने मामला दर्ज कराया था कि उसका बेटा शेर सिंह निर्माणा कंपनी में कैंटीन चलाता है। एक व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बेटे के अपहरण की व मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। आरोपी व्हाट्सएप कॉल कर रहा था, जिसके लिए हमने पहले व्हाट्सएप कॉल को देखा। हम टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ ट्रेडिशनल एविडेंस भी ले रहे थे, जो हमने पाया कि ये जो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है यह किसी अन्य व्यक्ति के नाम था, जिसको हमने ट्रेस किया तो वो हरियाणा के जींद जिले में धमतान साहिब के पास का रहने वाला था, जिसे हमने दस्तयाब किया और उस मोबाइल में व्हाट्सएप तथा इंस्टाग्राम की डिटेल देखी तो उसमें अपराधियों का एक ग्रुप मिला, जिसको हमने दस्तयाब किया था। वो सीधा इस घटना में शामिल नहीं था, इसका भाई था जो जेल में 376 के मामले में अभी बंद है और उसके साथी थे। उसके बारे में जब हमने फेसबुक से डिटेल ली तो एक नंबर मिला, उस नंबर के आधार पर हमने दूसरे लोगों की क्लास शुरू की, जिस पर हमने इनकी पूरी गैंग को गिरफ्तार किया और पाया कि परिवादी का बेटा जो नीमणा में कैंटीन चलाता है, इसी कैंटीन में एक अन्य लड़का काम करता था जिसको कैंटीन संचालक परिवादी के बेटे ने काम से निकाल दिया था। उस रंजिश को देखते हुए उस लड़के ने इन लोगों से मिलकर फेसबुक के जरिए परिवादी के बेटे से संपर्क किया और मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग की। अनुसंधान करते हुए हमने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक मुख्य आरोपी प्रदीप उर्फ गिल्लू उर्फ कैरा जींद का रहने वाला है, साहिल उर्फ गुरु गावंडी सिरसा खेड़ी का रहने वाला है, अनिल उर्फ लीलू टोहना का रहने वाला है, मक्खन धमतान साहिब का रहने वाला है, करमपाल रडसाना का बास राजस्थान का रहने वाला है। क्या मामला है? मामला ये था, जागुआस का एक निवासी है बलवीर प्रजापत, उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा बेटा निमराना की एक कैंटीन चलाता है एक कंपनी में, और मुझे एक व्यक्ति धमकी दे रहा है व्हाट्सएप कॉल के जरिए और 50 लाख रुपये की फिरौती मांग रहा है, जिसका हमने प्रकरण दर्ज करके उसका अनुसंधान किया। तो चूंकि आरोपी व्हाट्सएप कॉल कर रहा था तो उसके संबंध में हम व्हाट्सएप को हम डिटेल के लिए लिखा, लेकिन उसके साथ साथ हम टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ हम ट्रेडिशनल एविडेंस भी ले रहे थे और ट्रेडिशनल तरीके से हम इसके अनुसंधान कर रहे थे। तो हमने पाया कि ये व्यक्ति जो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, नॉर्मल कॉल नहीं कर रहा, वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम था, जिसको हमने ट्रेस किया तो वो हरियाणा के धमतान साहिब एक जगह है जींद जिले में, वहाँ का था। तो हमने उसको वहाँ दस्तयाब किया तो उसके व्हाट्सएप की डिटेल, इंस्टाग्राम की डिटेल और ये देखी तो एक अपराधियों का एक बड़ा गठजोड़ था, कई लड़कों का एक ग्रुप था। चूँकि ये जो लड़का जिसको हमने वहाँ से दस्तयाब किया था, ये लड़का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसका भाई जो जेल में बंद था 376 के मामले में, ये इसके साथी थे भाई के जो अभी राइवल हैं। उसके बारे में जब हमने फेसबुक से डिटेल ली तो एक नंबर मिला, उस नंबर के आधार पे हमने उन दूसरे लोगों की तलाश की, जिस पर हमने इनकी पूरी गैंग जो ये लड़के धमकी दे रहे थे, ये 3 लोग यहाँ पे आए हुए थे और 3 लोग इनको हमने अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने पर पाया है कि जो व्यक्ति परिवादी का लड़का है जो कैंटीन चलाता है, इसी की कैंटीन में एक अन्य व्यक्ति पहले नौकरी करता था, जिसको इस व्यक्ति ने परिवादी ने निकाल दिया था। उस रंजिश को रखते हुए उसने इन लोगों से जरिए फेसबुक संपर्क किया और मारने की धमकी अथवा 50 लाख रुपए लेने की फिरौती लेने की धमकी दी।
हमने सभी 5 आरोपी इसमें टोटल हैं और 5ों को हमने गिरफ्तार कर लिया। सर कहां से गिरफ्तार किया है, कहां से रहने वाले हैं? ये 4 लोग तो हरियाणा के हैं, हरियाणा में भी अलग अलग जगह हैं, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो जींद का है प्रदीप उर्फ गिल्लू उर्फ कैरा। तो ये जींद का है जो धमकी दे रहा है। उसके जो दो साथी हैं, वो दो साथी एक धमतन दास का है, दूसरा रोहतक का है और एक रोहतक के पास का है। ये 4 लोग तो ये हैं और 5वां एक क्या नाम है उसका, कमरपाल जो कि चूरू जिले का रहने वाला है, जो कैंटीन में इसके साथ नौकरी मतलब इसकी कैंटीन में काम करता था, वो है। हम 5ों को अरेस्ट कर लिया, 5ों हमारी, इनसे हम अनुसंधान कर रहे हैं, इनसे अनुसंधान अभी ये कर रहे हैं कि जो फिरौती मांगने में इन्होंने कौन सी गाड़ी यूज ली है, कौन सा वेपन इनके पास है, तो उसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। सर लोकल गैंग से भी शामिल है कि कुछ पता लगा? लोकल गैंग का भी इनमें कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट मिल नहीं रहा, फिर भी हम उस एंगल से हम अनुसंधान करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उनको भी हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सर इनके खिलाफ कोई पहले मुकदमा दर्ज है, कोई जानकारी ली अपने स्थानीय थाने से? हाँ जानकारी आ रही है कि वो जो मुख्य जो आरोपी है प्रदीप और कैरा, वो वहाँ पे वारदातें करता है, उसके बारे में हम आपराधिक रिकॉर्ड ले रहे हैं।